हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो डर जाते हैं कि एमएच सेट का जो सिलेबस है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। हम कैसे अपना टाइम मैनेज करें, कैसे रिवाइज करें, कैसे पढ़े। तो आपका जो सिलेबस है बच्चों बहुत ही छोटा है, क्योंकि आपने जो भी आपके बीएससी एंड एमएससी क्लासेस में जो भी पढ़ा हुआ है वही सिलेबस, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही है आपका महाराष्ट्र सेट का। तो पहले देख लेते हैं हम कि एवरेज क्वेश्चंस कितने होते हैं और इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो अगर हम बात करें कंटेंट की, यानी कि टॉपिक्स की, सिलेबस की, महाराष्ट्र सेट लाइफ साइंस की बात करें बच्चों हम, क्योंकि ये जो चैनल है वो डेडिकेटेड है लाइफ साइंस के लिए ही। तो इसके डिफरेंट कंटेंट है बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बॉटनी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल टेक्निक्स, टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स, सेल सिग्नलिंग, अप्लाइड बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इवोल्यूशन एंड एनिमल फिजियोलॉजी। ये सारे कंटेंट है। लेकिन स्टार्टिंग के अगर हम कुछ कंटेंट देखें, यानी कि टेक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी तक अगर हम बात करें, तो ये जो है बच्चों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। तो अगर आपको सेट क्लियर करना है तो इतना जो सिलेबस है, इतना जो कंटेंट है, उसको एकदम ग्रैब कर लीजिए, पक्का बना लीजिए। बायोकेमिस्ट्री में से ऑलमोस्ट 15 to 18 क्वेश्चन जो है वो आते ही है। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर हम बात करें तो 12 से 18 क्वेश्चन होते ही है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस का नंबर है बच्चों, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर कंसिडर करोगे, देखोगे, तो इतने क्वेश्चन आपको नॉर्मली मिल ही जाएंगे। इकोलॉजी की बात करें तो 10 to 12, और मॉलिकुलर बायोलॉजी से आते हैं बच्चों आपके 8 to 12 क्वेश्चंस पक्का आते ही आते हैं। एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, एग्जैक्ट नहीं है ये, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल टेक्निक की अगर हम बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही है। टेक्सोनॉमी में 10 से 12, और इनकेस बच्चों अगर आप ये पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते हो तो स्टार्टिंग के अगर आप टॉपिक पूरे पढ़ लोगे और ये लास्ट के कुछ टॉपिक अगर आप स्किप भी कर दोगे, स्टिल आपके पास चांसेस है कि आप सेट एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे ज़्यादा पहले ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और हम बहुत ही जल्दी जो है, हम लोग बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ लेके आ रहे हैं लाइफ साइंस के बच्चों के लिए, ताकि वो फ्री में पढ़ सके। और मैं क्लासेस लेने वाली हूँ, तो अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।